चुका है और 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया हुआ है और हम अभी यहाँ मौजूद हैं गुड़गांव में, गुड़गांव के हरियाणा बॉर्डर पर, जहाँ पे एक तरफ दिल्ली को जाता है रास्ता और एक गुड़गांव को, दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने वाले रास्ते पे हम मौजूद हैं। और यहाँ पे हमें पुलिस बहुत मुस्तैदी से नजर आ रही है, यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से तैनात है यहाँ पे। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और यहाँ देखने को मिली कि जो मजदूर हैं, जो बिहार से आते हैं, जो यूपी से आते हैं, दिल्ली में काम करने वाले, वो लगातार यहाँ पर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको पीछे भेज रही है और अपनी सही जगह पर उनको पहुंचा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ की तस्वीरें, हम यहाँ पे गुड़गांव बॉर्डर पे खड़े हैं, जो हरियाणा बॉर्डर पे खड़े हैं, माफ कीजिएगा, जो एक तरफ गुड़गांव को रास्ता जाता है तो दूसरी तरफ दिल्ली को रास्ता जाता है। यहाँ पर पुलिस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है, हर आने जाने वाले व्यक्ति से उसकी पूछताछ कर रही है, उसके बाद ही यहाँ से किसी को जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं साफ, कहना है ये अपने घर पर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मास्क पहने हुए था, पुलिस ने इनको रिहा किया कि थोड़ा दूर होकर चले और उसके बाद ये यहाँ से रवाना हो गए हैं। पुलिस यहाँ आने वाले हर एक शख्स से पूछताछ के बाद ही यहाँ की पुलिस हर किसी को रवाना कर रही है। मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगी पीछे साइड, वहाँ पर एक पूरा ग्रुप खड़ा है मजदूरों का, जो बैग टांगे हुए हैं, वो रखा जा रहा है और पुलिस उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी व्यवस्था की गई। बॉर्डर पर जो एक तरफ दिल्ली को जाता है और एक तरफ गुड़गांव, ये दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने वाला एक रास्ता है। यहाँ पर हम जब आए तो हमें यहाँ पर मजदूरों की संख्या ज़्यादा दिखी जो पैदल चलकर जा रहे थे। दिल्ली सरकार का कहना है उन लोगों के लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आई। वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में आप देख सकते हैं मजदूर खड़े हैं, अगर लॉकडाउन है उसके बावजूद इतनी संख्या में हम मजदूर खड़े हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे जा रहे थे तो उनके लिए क्या व्यवस्था दी? कोई व्यवस्था नहीं।
भागलपुर जाना है और ये गुड़गांव से आ रहे हैं, तो हम बाकी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि वो लोग आखिर कहाँ से आ रहे हैं। पूरा देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं, जो लोग मजदूर प्रदान कर रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई व्यवस्था इनके नजर नहीं आ रही है। और हमने पुलिस से बातचीत की थी कि पुलिस भी तो उनका कहना था कि उन लोग के लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ जाएं, और पुलिस का कहना है कि उन्होंने व्यवस्था की है, और मजदूरों से बात करें तो उनका कहना है कि कोई व्यवस्था नहीं है। और कुछ मजदूरों से बातचीत करना चाहेंगे और जाने भी चाहते हैं उन्हें। यहाँ पर सिर्फ इन मजदूरों का कहना है कि इन लोगों का कहना है कि सिर्फ पुलिस यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ उन्हें भगा रही है, लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आ रहे लोगों को। तो ये देखना होगा कि मजदूरों को कैसे पहुँचाती है सरकार और कैसे मदद पहुँचाती है। पुलिस यहाँ मौजूद है, उसके बाद भी यहाँ पर जो मजदूर है, जो लोग हैं, वो निरा